जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो एनपीओ की होने वाली है आज लास्ट वीडियो, और इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप सबको होती है कंफ्यूजन कि लेगेसी का ट्रीटमेंट क्या होगा सर, क्या वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी, एंट्रेंस फीस का क्या होगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस का क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जिससे क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट श्योर है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और ये होने वाली है एनपीओ की आखिरी क्लास। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि यार एनपीओ की चार वीडियोस आएंगी। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कवर किया, सेकंड में फंड बेस्ड अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड में सब्सक्रिप्शन मैंने आपको समझाया, और आज जो जितने भी बाकी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ये चार वीडियोस कवर कर लेते हो तो आपका एनपीओ कवर हो जाएगा, जिनसे आप सारे एमसीक्यूज डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। प्लस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको लाइव बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए चैनल से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि जब भी वीडियोस आए तो आपको पता होना चाहिए, कई बार नोटिफिकेशन मिस हो जाती है ना। तो आप फटाफट से आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लेगेसी। लेगेसी क्या होता है सर? देखो क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, वो अपनी एक विल बनाता है। विल समझते हो? वसीयत है ना, वसीयत बोलते हैं कि हाँ मरते टाइम या फिर पहले भी एक क्या बनाता है, विल बनाता है। उसमें क्या लिखा होता है कि मेरे जाने के बाद है ना, मेरे मरने के बाद जो भी मेरी प्रॉपर्टी है या जो भी मेरे पास एस्टेट प्रॉपर्टीज कैश बैंक बैलेंस गोल्ड है, वो सब आपके किसको डोनेट करना है या क्या करना है, क्या उसका बंटवारा होगा, किसको मिलेगा, वो सब किस में लिखा होता है? विल में लिखा होता है। तो अगर इंडिविजुअल ने, किसी पर्सन ने विल में लिख दिया कि यार जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है वो किसी एनपीओ को डोनेट कर देना, तो एनपीओ को जो भी अमाउंट मिलने वाला है उसको लेगेसी बोलते हैं, है ना। इसलिए यहां पे क्या लिखा, अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन। सिंपल सी बात है, हां जी बिल्कुल, कि विल के अकॉर्डिंग, किसी भी डिसीज पर्सन के विल के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है, दैट इज लेगेसी। हाँ, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो सबसे पहले, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है तो ये रिसीट में डेबिट होगा, मतलब रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट होगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पैसा मिल रहा है तो डेबिट तो होगा, होगा बिल्कुल होगा। अब इसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा? आपको पता है हर ट्रांजेक्शन के दो ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, रिसीट में डेबिट कर दिया। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, जैसे हमने डोनेशन पढ़ा था कि डोनेशन दो टाइप की होती है, जनरल और स्पेसिफिक, ये सर, वैसे ही लेगेसी का भी है, राइट। अगर लेगेसी जो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है अगर वो जनरल नेचर का है, मतलब कि जो डिसीज पर्सन है उसने अपनी विल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली, रिस्ट्रिक्शन एज इन सर कि जैसे मान लो विल में लिख दिया कि यार जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है ना वो इस एनपीओ को जानी चाहिए, और एनपीओ इससे एक योगा सेंटर खोले, एनपीओ इससे स्पोर्ट्स इवेंट्स कराए, एनपीओ इससे कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराए, दीज आर रिस्ट्रिक्शंस। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, है ना। तो अगर ये स्पेसिफिक आपके पास पैसा आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन वाला पैसा आ रहा है, तो ये तो लायबिलिटी है ना यार, हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में पढ़ा। लेकिन अगर विल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, एनपीओ को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपने पैसों के साथ क्या करना है, तो वो जनरल नेचर का है। हाँ यार बिल्कुल सही बात है। तो देखो इसलिए क्या लिखा यहाँ पे, कि अगर स्पेसिफिक लेगेसी है फिर तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगी, जैसे कि हमारी डोनेशन आती है, जैसे हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ा। लेकिन अगर वो रेवेन्यू नेचर की है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, एब्सोल्युटली यस। सिंपल सा पॉइंट, हांजी लेगेसी खत्म, राइट सर, समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। सर इसमें क्या होता है कि मान लो मेंबर है कोई, हाँ आपको पता है मेंबर को रेगुलरली कुछ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है एनपीओ को, जिसको हमने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब यही था ना कि हर साल, हर महीने, हर वीक, जो भी है ना, हर छह महीने में रेगुलरली कुछ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, यस। लेकिन मान लो मैं हूं, मैंने क्या बोला यार मेरे को नहीं हर साल, हर महीने, हर छह महीने, हर दो महीने, इसमें नहीं पढ़ना, एक साथ पकड़ो सारा पैसा और मुझे लाइफ टाइम के लिए मेंबर बना लो। तो अगर किसी मेंबर ने अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको क्या दे दी है, कुछ फीस दे दी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, यस सर। अब मुझे आराम से सोच के बताओ, ये रेवेन्यू नेचर की है, कैपिटल नेचर की है? देखो मान लो कोई स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है। अब स्पोर्ट्स क्लब में क्या होता है, एक स्पोर्ट्स क्लब है जैसे, तो वहां पे अगर आप मेंबर बनते हो तो वो स्पोर्ट्स क्लब आपको सर्विसेज देता है, है ना। वहां आप खेलने जा रहे हो, स्विमिंग करने जा रहे हो, बैडमिंटन खेलने जा रहे हो, तो वहां की सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो उस स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर बनके। ये सर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में आप क्या दे रहे हो सर, कुछ पैसे दे रहे हो और आप उस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। अब मानो आपने लाइफ टाइम के लिए क्या कर दिया सर, सब्सक्राइब कर लिया, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस दे दी है। हाँ, अब उस एनपीओ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पूरी लाइफ टाइम वो क्या देंगी, सर्विसेज देंगी। तो मुझे बताओ, रेवेन्यू है कैपिटल, कैपिटल नेचर का है, यस और नो? सर एक तो नॉन रिकरिंग है, वन टाइम पैसा गया, हाँ। दूसरी बात, एनपीओ के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ गई,
बिल्कुल आ गई। हाँ यार सर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पूरी लाइफ टाइम आपको क्या देना है, पूरी लाइफ टाइम आपको सर्विसेज देनी है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए ये एक कैपिटल नेचर का है और इसको हम डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। सर किस में ऐड कर देते हैं, डायरेक्टली इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। हाँ देखो जब पैसा मिलेगा तो पैसा मिला तो रिसीट एंड पेमेंट में तो आएगा, रिसीट में जाएगा बिल्कुल डेबिट साइड पे जाएगा। लेकिन दूसरा ट्रीटमेंट क्या है सर, ये एनपीओ का कैपिटल नेचर का है तो एनपीओ के कैपिटल फंड में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली यस, क्या बात समझ में आती है, ठीक है। द एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस को लेकर काफी कंफ्यूजन होती है तो ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो एंट्रेंस फीस का क्या चक्कर है, देखो एंट्रेंस फीस होती क्या है, जैसे आप अपने स्कूल्स की बात करते हो तो स्कूल में क्या होता है, आपको हर साल कुछ एडमिशन फीस देनी होती है। उसी स्कूल में हो फिर भी हर साल एडमिशन फीस देनी है, बताओ ये कोई बात होती है, देनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, ऐसी बहुत सारी एनपीओज हैं जो आपसे क्या मांगती हैं, जब आपसे एडमिशन फीस मांगती हैं। हाँ अब कुछ एनपीओज ऐसी होंगी जहां पे आपको बस एक बार एडमिशन के लिए फीस देनी है, एडमिशन इज लाइक एंट्रेंस फीस। हाँ कि मेंबर बनने के लिए सर एनपीओ के अंदर घुसने के लिए आपको वन टाइम फीस देनी है, आपने एक बार एंट्रेंस फीस दी फिर एनुअली आपने सब्सक्रिप्शन दिया, ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, अब कुछ एनपीओज है जहां पे एंट्रेंस फीस आपको हर साल देनी होती है, जैसे स्कूल्स हो गए, बिल्कुल सही राइट। अब वहां पे तो ये क्या हो गई, रेवेन्यू नेचर की, हर साल देनी पड़ रही है। सर कुछ एनपीओज हैं जहां पे बस आपको वन टाइम देनी है, वहां ये कैपिटल नेचर की हो गई, बात तो सही है। तो मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, तो क्या करें। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी ने क्या बोला कि सुनो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशन, हाँ तो आप उसको रेवेन्यू नेचर का मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो। अगर क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस को लेके कुछ भी नहीं दिया, हाँ जी बिल्कुल, तो कहां डाल दो उसको, उसको डाल दो इनकम एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ये कैपिटल नेचर की है या इसको कैपिटलाइज करो, तो आप उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, हाँ जी बिल्कुल। यस सर, सर अगर वो क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दे रहा है फिर तो भाई क्वेश्चन ही भगवान है, क्वेश्चन की माननी पड़ेगी, हाँ जी बिल्कुल। तो हम क्वेश्चन की मानेंगे और उसको कैपिटल फंड में डाल देंगे, क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। देन सर एक कंफ्यूजन आती है बुक्स एंड पीरियोडिकल्स को लेकर, बहुत कंफ्यूजन आती है ना, बच्चों को लगता है कि बुक्स और पीरियोडिकल सेम होते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो, पीरियोडिकल्स का मतलब क्या होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट होती है कुछ पीरियड के लिए, जैसे सर जैसे न्यूज़पेपर्स की बात हो गई है ना, मैगजीन्स की बात हो गई, ये कुछ पीरियड के लिए रेलेवेंट है। न्यूज़पेपर आज के लिए रेलेवेंट है, मैगजीन्स जो होती है वो कई सारी मैगजीन्स होती है जो बस कुछ पीरियड के लिए रेलेवेंट होती है क्योंकि इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। एब्सोल्युटली यस सर, इसीलिए ये क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनसे आपको ज्यादा टाइम तक के बेनिफिट नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। बिजनेस मैगजीन हो गई या कुछ भी हो गई वो चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है, हाँ पुरानी वाली आउटडेटेड हो जाती है, बिल्कुल सही। इसलिए क्या बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन बुक्स की अगर हम बात करें, जैसे मान लो एनपीओ है लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं, जैसे आपके स्कूल में लाइब्रेरी है, हाँ वहां पे जो बुक्स हैं सर वो सालों साल पुरानी बुक्स हैं, ऐसा नहीं है वो हर साल आपकी नई बुक्स आती हैं, ऐसा आप अपनी बात मत सोचो बेटा, आप एनपीओ नहीं हो। सर अगर कोई एनपीओ है जहां पे बुक्स एक एसेट होती है ना, अगर वो बुक्स अपने पास रखते हैं, जैसे लाइब्रेरी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भाई वहां पे क्या है, वहां पे बुक्स जो है वो एक एसेट है जो लंबे टाइम तक चलती है, मतलब वो आपको लंबे टाइम तक का बेनिफिट देती है। तो अगर आपने बुक खरीदी है सर वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, वो आपके बैलेंस शीट में जाएगा, कहां पे, एसेट साइड पे। देखो आपने बुक खरीदी है तो पेमेंट करी है, पेमेंट करी है तो रिसीट एंड पेमेंट में तो आएगा ही आएगा, बेशक वो बुक्स हो या पीरियोडिकल्स हो। हाँ लेकिन बुक्स क्योंकि आपका एसेट है तो वो कहां जाता है सर, वो आपके एसेट साइड पे जाता है बैलेंस शीट में। पीरियोडिकल्स क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड पे जाएगा। क्लियर है, आई गेस काफी सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो रही होगी, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई है। सर अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में कहा था, इनफैक्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था पहली वीडियो में कि सर एक तो आपका सब्सक्रिप्शन फंड बेस्ड अकाउंटिंग और आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये तीन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की, तो सर इसका मतलब क्या है वो तो बताओ, आ जाओ देखो सर कुछ मटेरियल्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करी गई है, हाँ एनपीओ में जो आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, कंज्यूम मतलब यूज करते हो। सर जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, अरे मेरा एग्जाम्पल ये देखो सर, जैसे ये मार्कर है ना मेरे लिए, सर ये मार्कर क्या है, क्या ये एसेट है, नहीं। क्यों नहीं है एसेट, क्योंकि ये लंबे टाइम तक नहीं चलता है, इसको मैं यूज करता हूँ और खत्म हो जाता है। स्टेशनरी है, अगर नॉर्मल स्टेशनरी है, ये पेन है सर कुछ भी है, तो ये क्या चलता है कुछ टाइम के लिए और ये खत्म हो जाता है। स्टेशनरी आइटम्स हो गए, आपके हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन होती है सर, मेडिसिन ऐसा थोड़ी है कि लंबे टाइम तक चलेगी, नहीं
मेडिसिन यूज हुई, खत्म हो गई, हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कुछ मटेरियल्स आपके एनपीओज में होते हैं जो आप यूज करते रहते हो। तो मुझे क्या निकालना होता है, मुझे इसका एक्सपेंस निकालना होता है। सर जैसे जैसे मान लो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, सर अब मान लो मार्कर की मैं बात करता हूँ, मार्कर का मेरे पास क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक है मान लो कितने का, 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ के मार्कर मेरे इस साल के स्टार्टिंग में थे, ऑलराइट। मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ मार्कर्स परचेज भी करे, मान लो कितने के, 5000 रुपये के, तो मतलब मेरे पास पूरे साल कितने के मार्कर्स थे, 6000 रुपये। लेकिन किंतु परंतु हुआ क्या सर, आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया 31 मार्च को, सर कितने का, लेट्स से 2000 रुपये का। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताओ मैंने मार्कर्स को इस पूरे साल में कितना कंज्यूम किया, यूज किया, एक्सपेंस कितना है, भाई एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि आपने उससे बेनिफिट कितना लिया, तो मैंने मार्कर से कितना बेनिफिट लिया, कितना यूज किया, आप क्या बोलोगे, 6000 के आपके पास मार्कर थे, 2000 के बच गए, इसका मतलब आपने 4000 रुपये के मार्कर्स को यूज किया। एब्सोल्युटली यस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इसको बोलते हैं। सिंपल, हाँ जी बहुत सिंपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इतना ही होता है, हाँ जी। लेकिन अब दिक्कत आती है परचेजेस में, सर कई बार आपको वो परचेज देगा नहीं, है ना, आपसे खेलेगा वो, छुपन छुपाई खेलेगा, और हमको परचेजेस निकालनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट ये कि परचेजेस में आपकी कैश परचेज भी आती है और आपकी क्रेडिट परचेज भी आती है, दोनों ही आती है, ऐसा नहीं आएगा ये, नहीं सर दोनों ही परचेज आएंगे, एब्सोल्युटली यस। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कैश परचेज तो फिर भी वो आपको क्वेश्चन में दे देगा, क्रेडिट परचेज आपको निकालनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो आपको देगा, सर वो आपको देगा क्रेडिटर्स का बैलेंस। अगर आपने उधार पे कुछ सामान खरीदा है तो कितना खरीदा है कहां से पता चलेगा, क्रेडिटर से पता चलेगा, बिल्कुल सही। तो देखो मान लो ये आपका क्रेडिटर का अकाउंट है, बस 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, सर ये क्या है आपके क्रेडिटर का अकाउंट है, हाँ जी बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले वो आपको ओपनिंग बैलेंस देगा, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे, तो ये आपका आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कुछ भी मान लेते हैं सर, मान लो 10,000 रुपीज, ठीक है, इसका मतलब स्टार्टिंग में आपने उनको 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है। अब आपको दे दिया क्लोजिंग बैलेंस, आपको क्या दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, मान लो कितना, 8,000 रुपए, अच्छा ठीक है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देगा कि आपने उस मटेरियल के लिए कितनी पेमेंट करी है, सर जब भी वो पेमेंट की बात कर रहा है तो पेमेंट किसको करोगे, क्रेडिटर्स को, तो आपने पेमेंट करी तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर एंट्री क्या होती है, जब भी आप अपनी लाइबिलिटी पे करते हो तो लाइबिलिटी अकाउंट क्या होता है, डेबिट, यस, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस सर। मान लो कितना, मान लेते हैं सर 5,000 रुपए, अच्छा ठीक है, हाउ मच, 5,000। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, है ना, स्टार्टिंग में 10,000 रुपए आपने देने थे, ठीक है, 5 आपने दे दिए, अच्छा कितने बचे, 5, ये कह रहा है अभी भी 8 बचे हैं, इसका मतलब जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आपने इस साल क्या करी होगी, परचेजेस। सर आपकी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, हमारी बैलेंसिंग फिगर 3,000 रुपए आ रही है, यस सर। परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज की एंट्री होती है परचेज को आप डेबिट करते हो टू क्रेडिटर्स, हाँ तो वही तो हो रहा है, क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आपने क्या लिखा, बाय परचेजेस, यही एंट्री है, हाँ जी बिल्कुल यही एंट्री है। तो इसका मतलब जो ये बैलेंसिंग फिगर है ये आपकी क्या आ गई सर, जो आपने पूरे साल परचेज करी है, क्रेडिट परचेज करी है, हाँ जी बिल्कुल, ये परचेज आपके आपके पास आ चुकी है, तो आप ये परचेज यहाँ पे डालोगे और आपका क्या आ जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या इतनी बात समझ में आती है, यस सर नो, बस आपने क्या किया है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा, यस सर, क्रेडिटर्स का आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, ठीक है, आपने जो पूरे साल उनको पे करा है वो आपने लिखा, बिल्कुल, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ गई वो आपकी क्या आ गई, परचेजेस, इट्स वेरी वेरी सिंपल, हाँ या ना, बिल्कुल सही। सर इसके अलावा आ जाओ बस लास्ट कॉन्सेप्ट, कई बार वो आपको एडवांस का बैलेंस देगा, किसका बैलेंस देगा, एडवांस, एक सिंपल सा एग्जांपल करें क्या, हाँ आ जाओ ना, एक एग्जांपल करते हैं, देखो ये आपका एग्जांपल है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, आपको क्या क्या बोला हुआ है, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 चीज चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, स्टॉक का परचेजेस चाहिए, माइनस उसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या बोल रहा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसका मतलब यहाँ पे मटेरियल क्या है, स्टेशनरी, 1st April 2018, इसका मतलब सर ये ओपनिंग बैलेंस है, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, यस सर, कितना, 30,000 रुपीज, नो प्रॉब्लम, ओपनिंग मिल गया। अब उसके बाद देखो आपको दे रखा है क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स की जब भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फटाफट से ना रफ में अकाउंट ही बना लो, अकाउंट बना के ज्यादा आसान होगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग आपको फॉर्मूलेज याद करने के लिए बोलेंगे, वो आपकी मर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मूला भूलना बहुत आसान होता है, अगर आप फॉर्मूलेज को याद करते हो तो भूलना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू अकाउंट का प्रिपरेशन, अकाउंट आपको याद रहता है क्योंकि आपने वो लॉजिकली समझा होता है। देखो सर क्रेडिटर का ही आपको क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 20,000, आपको पता है लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पे, तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया 20,000, ठीक है।
उसके बाद देखो क्या है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ध्यान से सुनो, कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018. सर ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल दिया इसने? अरे ये लैंग्वेज को ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है, ट्विस्ट कर रहा है। हाँ, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी अमाउंट पेड आएगा, राइट, जब आपके पास क्रेडिटर्स का बैलेंस है और अमाउंट पेड की बात करी जाएगी, तो मान लेना कि आपने किसको पे किया है, क्रेडिटर्स को पे किया है। क्योंकि सर कैश परचेजेस आपको क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है कि आपने कैश परचेज करी है, तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, हम यही एज्यूम करके चलेंगे कि आपने जो भी परचेजेस करी है वो उधार पे करी है, मतलब क्रेडिट पे करी है, ठीक है। तो अमाउंट पेड किसको, क्रेडिटर्स को, फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। सर हमारा कौन सा साल है, 19, तो इसका मतलब है क्या बोल रहा है कि आपने पिछले साल जो अमाउंट पे किया था वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। सर मैं आपको मजाक नहीं कर रहा है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, इसको एक्चुअली में हम बोलेंगे एडवांस इन द बिगिनिंग। क्या बोल रहे हो सर आप ये, अरे समझा रहा हूं मैं आपको, इसका मतलब ये है कि पिछले साल आपने क्रेडिटर्स को कुछ एडवांस पे कर दिया था। क्या कर दिया था, क्रेडिटर्स को कुछ एडवांस पे कर दिया था। सर क्रेडिटर्स को कुछ एडवांस कैसे पे कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, सर यहाँ पे लाइबिलिटी है, यहाँ पे एडवांस आ रहा है, ये क्या बात हुई। बेटा ये जो क्रेडिटर्स का अकाउंट है, ये सिर्फ एक क्रेडिटर का अकाउंट तो नहीं होता, नहीं सर, इसमें मल्टीपल क्रेडिटर्स होते हैं, मल्टीपल होते हैं सर, हम उनका एक साथ बना देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ बहुत सारे होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी हो और कुछ क्रेडिटर्स को आपने एडवांस दे रखा हो? सर हो सकता है, हाँ, उन दोनों को मैं नेट ऑफ तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने उनको पेमेंट कितनी करनी है और मैंने उनको एडवांस कितना दे रखा है। एब्सोल्युटली यस, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, आराम से सोचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भूल जाओ कि क्रेडिटर्स हैं। आप मुझे ये बताओ, अगर आपने पिछले साल किसी को कुछ एडवांस पे किया था, हाँ, वो आपके लिए क्या है सर, एसेट है। जब भी मैं किसी को एडवांस पे करता हूं तो वो मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है। हाँ, पिछले साल पे किया था तो पिछले साल के बैलेंस शीट में आ रहा होगा एसेट, हाँ, तो सर इस साल के ओपनिंग में आएगा, बिल्कुल सही। सर अगर पिछले साल के बैलेंस शीट में है, अगर 31 मार्च 2018 की बात कर रहा है तो पिछले साल के बैलेंस शीट में है, तो क्या इस साल के ओपनिंग में आएगा? हाँ, तो क्या मैं सिंपली इसको बोल सकता हूँ कि ये एसेट का ओपनिंग बैलेंस है? सोचो कि भाई मैंने एडवांस पे किया था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर पे किया था, इस साल उसका ओपनिंग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब मुझे बताओ एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है, डेबिट साइड पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रेडिटर्स अकाउंट में लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू एडवांस इन द बिगिनिंग, आपको समझाने के लिए, इन द बिगिनिंग कि आपने कुछ क्रेडिटर्स को क्या दे रखा है, एडवांस पे कर रखा है कितना, 2000 रुपये। इतनी बात समझनी है आपको। सर ये मेरी लाइबिलिटी है जो आपको गिवन है। देखो जब बाय डिफॉल्ट क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन होता है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया कि आपने कुछ एडवांस पे कर रखा है, अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद देखो क्या है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, जितना अमाउंट आपने पे किया, जो भी अमाउंट आपने पे किया वो आपने क्या लिख दिया, टू बैंक अकाउंट। हाउ मच, 1,08,000, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, अच्छी बात है, ओपनिंग मेरे पास है, क्लोजिंग मेरे पास है, मुझे बस परचेजेस चाहिए, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑन 31st मार्च, मतलब क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, देखो सिर्फ अगर क्रेडिटर्स गिवन है तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी का क्लोजिंग डेबिट साइड पे, ये हम सबको पता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, सर कितना है ये, 13,000 रुपीज, परफेक्ट। अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, अब एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2018, ओ हो, सर इसको थोड़ा सा चेंज करो, 2019 है ये, मेरी मिस्टेक है। सर कितना है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2019, मतलब 31st मार्च 2019 पे जो आपने एडवांस पे कर रखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है? सर ये आपका पिछले साल जो आपने एडवांस पे किया था, पिछले साल जो एडवांस पे किया था मतलब एसेट का ओपनिंग बैलेंस। अब ये एडवांस का बैलेंस कब दे रहा है, 31st मार्च 2019 को, तो क्या ये एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है? और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आपको पता ही है, बाय एडवांस एट द एंड, बस क्वेश्चन खत्म। हाउ मच सर, 3,000 रुपीज, बोलो हाँ या ना, इतना ही था कि अगर आपने क्रेडिटर्स को एडवांस पे कर रखा है तो जो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे, क्योंकि वो एसेट की तरह ट्रीट होगा, और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। अब जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो मेरा आंसर आ जाएगा, इसको एक बार फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 1,08,000, यस सर, प्लस 13,000 प्लस 2,000, 1,23,000, अरे वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। -20 -3, सर ये तो 1,00,000 रुपये आ गया, वाह। तो ये मेरी क्या है सर, बाय परचेजेस, These are my purchases. अब
आसान हो गया, बहुत आसान। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आपको करना होगा क्वेश्चन तो फटाफट करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया है ना, एमसीक्यूज में आपको करवाऊंगा तो फटाफट करेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लग गया। देखो सर, अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, हाँ, मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 30,000, ठीक है। आपने जो परचेजेस करी है वो आपके पास है 1 लाख, वेरी नाइस। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ये रहा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग में 5,000 रुपये। इसका मतलब जो आपके पूरे साल का एक्सपेंस आ रहा है दैट इज 125, जो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगा। इतना ही इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। आई नो आप TS खोलोगे, वो सब खोलोगे, उसमें बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन आपके CUET में और 12th के बोर्ड एग्जाम में यही फर्क है ना, कि हमको वो लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह या इतना ज्यादा डीप लेने जाने की जरूरत, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। ट्रस्ट मी, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको NPO के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए और काफ़ी डिटेल में करवाए, ठीक है, जो मेरी आदत है। मैं आपको ऊपर ऊपर से करवाने का बिल्कुल सोचता ही नहीं हूँ कि भाई पूरा करवा देते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। तो अगर आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन नहीं भी कर रखी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। ऑफकोर्स देखो, आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी होती है तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन नहीं करते वो कुछ नहीं कर पाते, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ही बढ़िया करते हैं, ये सुना। तो सर यहाँ पे हमारे NPO के कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गए, एब्सोल्युटली यस। अब बारी है किसकी, MCQs की, राइट। मैं आपको कम्युनिटी टैब पे अपडेट कर दूंगा कि मैं सैटरडे को करवाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को एक अच्छी सी लाइव सेशन करेंगे जहाँ पे हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अपडेटेड रहना कम्युनिटी टैब पे, और जो आपका टेलीग्राम का लिंक है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इन केस अगर कोई स्टूडेंट सर लाइव क्लासेस CUET के लिए अटेंड करना चाहता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि लाइव क्लासेस में क्या होता है, अलग क्या होता है। देखो वहाँ पे डेली 1.5 से 2 घंटे की क्लास चल रही है ना सर, वहाँ पे सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो रहा है, सब कुछ चीज़ें रिवाइज होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे क्या होती है, जो आपके डाउट्स हैं वो रियल टाइम पे सॉल्व हो जाते हैं, ये सर। उसके बाद हर चैप्टर का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, हर चैप्टर का, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपका CUET कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो मैं हर चैप्टर का टेस्ट ले रहा हूँ। किससे सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कोर्स पे ही क्या है सर, कोर्स में ही मुमकिन है, कोर्स में ही पॉसिबल है, राइट। तो इन केस अगर आप थोड़े से अमाउंट स्पेंड कर सकते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए वर्थ इट होगा। जितना इसका प्राइस है उससे ज़्यादा ऑफकोर्स मैं इसमें एफर्ट्स डालने वाला हूँ, आई थिंक ये सब आप सबको पता ही है। बाकी YouTube के लिए मैं कभी भी छोड़ने नहीं वाला हूँ YouTube को, जितना हो सकेगा मैं मैक्सिमम YouTube पे अपलोड करूँगा। बाकी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, उसको भी मैं सॉल्व करूँगा, है ना। ध्यान रखो अपना, मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।